आपके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तब समझ लेना चाहिए उनकी बहिर्मुख दशा दूर हो जाती है, अर्थात उनकी भक्ति प्रतिकूल प्रवृत्ति का उन्मूलन हो जाएगा। इस अवस्था में साधक शुद्ध एवं उन्नत कोटि के भक्त के श्रीमुख से सब समय लीला कथा का श्रवण करने का अभिलाष करते हैं। इसमें लिखा है श्रवण दशा की क्या, जैसे सुनने की इच्छा रुचि उत्पन्न हो, जितने सब कुछ निर्भर कर रहे हैं रुचि दशा में, रुचि माने रुचकत्व। लिखा है जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महादेव कार्य तस्मिन मोहन मुखरिता मधुभी चरित्र पीयूष अशिषरित परित श्रवंती ताजे इवंती वित्रिशो नृप गाढ़ करणी सत्न पृष्ठतन संतीर्ण भय शोक महा महा। देवर्षि नारद जी राजा प्राचीर भाई के कह रहे हैं कि हे राजन, जिस स्थान पर भक्ति सदाचार से के संपन्न वो भगवान के मुखर मधुर चरित्र का श्रवण करने के लिए व्याकुल चित्त वाले विशुद्ध भक्तजन वास करते हैं, उस स्थान पर महापुरुषों के मुखारविंद से निश्चित भगवान श्रीहरि मधुर के चरित कथा चैतन्य के धारावाहिनी सरिता एवं चारों दिशाओं के प्रभावित होती है। जो लोग अतृप्त एवं अभिनिविष्ट कर्ण कुहरों के द्वारा भगवत कथा कथामृत को समाहित करने वाली अंतर्मुखी हो जाता है और उस अंतर्मुखी दशा में जो साहूिक आत्मिका बुद्धि से निरंतर महापुरुष के श्रीमुख से हरि कथा का श्रवण करता है। पहले बहिर्मुख रहा, अभी कथा सुनते सुनते क्या हो जाता, अंतर्मुख हो जाता। अच्छा हाँ, ये मुझे चाहिए। सब निर्भर किसके ऊपर कर रहे ना, थोड़े जनों की सुकृति के ऊपर कर रहे। वो सुकृति श्रद्धा भक्तिन्मुखी सुकृति होनी चाहिए। भक्तिन्मुखी श्रद्धा कहा जाता है, कितने प्रकार की श्रद्धा होता है, ज्ञानोन्मुखी श्रद्धा, ज्ञानोन्मुखी सुकृति। सुकृति भी तीन प्रकार का, ज्ञानोन्मुखी सुकृति, कर्मोन्मुखी सुकृति और भक्तिन्मुखी। ज्ञानोन्मुखी ज्ञानियों के साथ तत्व आलोचना करते करते उनके हृदय में ज्ञानोन्मुखी सुकृति होता है, उसके तरफ उसके मन में इच्छा होता है ब्रह्म में लय होने के लिए, मुक्ति के लिए। कर्मियों के साथ संग करते करते और उनके क्या होता है, कर्मोन्मुखी सुकृति होता है। उस कर्मोन्मुखी सुकृति के द्वारा उसके मन में लालसा जगता है स्वर्ग लोक आदि उच्च लोक आदि प्राप्ति करें, संसार की अधिक सुख हमें लोग कैसे प्राप्त हो। और भक्तों के संग से हरि कथा श्रवण करते करते उसके भक्तिन्मुखी सुकृति आ जाता है, उस भक्तिन्मुखी सुकृति के फलस्वरूप वो भगवत कथा में रुचि रखते हैं। उसी कह सकते हैं अंतर्मुखी सुख, अंतर्मुखी दशा का है। अंतर्मुख दशा में वह व्यवसायत्मिका बुद्धि से निरंतर महापुरुष के श्रीमुख से श्री हरि कथा का श्रवण करता है, उसे कम शुद्ध श्रवण दशा भी कहते हैं। क्रम से इनसिपिएंस कृष्ण लीला की कथा क्रम में होनी चाहिए, इन सीक्वेंस। वो रेगुलर वो भी एक ही शब्द है, कोई बात नहीं, एक दिन सुना ऐसे नहीं है, निरंतर सुना। जब बहिर्मुख दशा में हरि कथा श्रवण की जाती है तो क्रमहीन श्रवण दशा कहलाती है। बहिर्मुख दशा में हरि कथा श्रवण की जाती है, चित्त कहीं कहीं भटक रहे हैं कथा सुन रहे, वो बहिर्मुख दशा हो जाता है, उसे कहते हैं उसमें क्रमहीन श्रवण दशा कहलाती है। हरि कथा कैसे श्रवण करना चाहिए, क्रम पात्र क्रम दशा है। एक स्थान में बैठ करके निरंतर कथा सुने तो इन सीक्वेंस आ जाता है,
जैसे कृष्ण की लीला कथा जो हम कीर्तन करते हैं उसे क्रम से श्रवण करना चाहिए। जैसे कृष्ण की जन्मलीला की कथा श्रवण किया, फिर जन्मलीला के बाद जितने भी कृष्ण की लीला कथाएं है उसे क्रम से श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए एक क्रमबद्ध होना चाहिए। एक दिन सुन लिया गदामबंध लीला, दूसरे दिन लिया गोपी की, ऐसे नहीं, क्रम से होना चाहिए। इसे क्रमहीन श्रवण दशा कहलाती है। इसे जब बहिर्मुख दशा में हरि कथा श्रवण की जाती है तो वह क्रमहीन श्रवण दशा कहते हैं, और इस प्रकार से श्रवण से लयों का पारस्परिक संबंध उदित नहीं होता है, इसलिए रस का उदय नहीं होता है। शुद्ध रस हृदय में सभी जागृत होता है। जब साधक व्यवसायत्मिक बुद्धि से क्रमबद्ध ढंग से क्रमबद्ध नहीं, तो जो व्यवसायत्मिक बुद्धि है वो क्या होती है? व्यवसायत्मिक बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि रही को कौनते हो वे धारावाहिक रूप में है, इसमें धारावाहिनी सरिताओं के चारों दिशा में प्रवाहित होती है। जो लोग यहाँ पे थे ना, व्यवसायत्मिक बुद्धि से क्रमबद्ध, हाँ, जब साधक व्यवसायत्मिक बुद्धि से क्रमबद्ध ढंग से संकल्प पूर्वक व्यवसायत्मक इस कथा को हमें श्रवण करना है, ऐसे कहते हैं संस्कृत में, व्यवसायत्मक गीता में है ना, व्यवसायत्मक बुद्धि रही को कौन दिया, व्यवसायत्मक क्रमबद्ध से यहाँ पर कार्य है। जब साधक व्यवसायत्मिक बुद्धि से क्रमबद्ध ढंग से संकल्प पूर्वक श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण करता है, निरंतर श्रवण से लीलाओं का माधुर्य प्रकट होता है, निरंतर होने चाहिए तब माधुर्य प्रकट होगा। हाँ, कृष्ण की लीलाओं के जो एक क्रम से श्रवण करो है। आज वो दूसरे श्रोता के वक्ता से मुख सुना, काल दूसरे सुना, मुझे वक्ता क्या बोलेंगे, जैसे जैसे श्रोता आएगा ऐसे बोलता रहेगा, उसे क्रमबद्ध नहीं होता है, वैसे अपनी बुद्धि के नहीं हो रही है। एक साधन व्यवसाय हम करते थे, वाणिज्य क्या करते हैं, ठीक से होनी चाहिए ना, नहीं एक दिन दुकान खुला दूसरे दिन नहीं खुला, हर रोज समय पर दुकान खुलना चाहिए। 10 बजे खुलते तो लोग सोचेंगे हाँ इस दुकान में 10 से 4 बजे तक तो खुला रहता है, नहीं एक दिन 4 बजे खुला, एक दिन 5 बजे खुला, एक दिन 10 बजे बंद कर दिया, 9 बजे बंद कर दिया, एक उसमें खरीदार के क्या होता, आपके ऊपर निष्ठा नहीं रहेगी। इसलिए दुकान में जो करते हैं उसी प्रकार का, इसलिए क्रमबद्ध होने चाहिए। जब साधक व्यवसायत्मिक बुद्धि से क्रमबद्ध ढंग से संकल्प पूर्वक श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण करता है, निरंतर सोच, उसमें इंग्लिश में क्या दिया गया, व्यवसायत्मिक बुद्धि की क्या बोला, अरे ये ही कथा तो है, हम थोड़ी बोले क्रमबद्ध से संकल्प पूर्वक श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण करता है, निरंतर श्रवण से लीलाओं का माधुर्य प्रकट होता है। फलस्वरूप साधक के हृदय में रागानु का प्रवृत्ति उदित होता, इसलिए श्रवण दशा में इतने कहा गया। निरंतर श्रवण करना चाहिए हर रोज। पढ़ा क्या नहीं, क्या लिखा, Krishna Katha for the lips of the saintly personalities is called
There are two types of shravan. The first is unmethodical or irregular hearing, kramahina shravandas, and the second hearing is methodical in a regular order, kramasuta shravandas. Then Vijay is asking, what is kramahina shravandas? This is irregular hearing. So Goswami is saying kramahina shravandas is hearing about Krishna Lila in an irregular and unmethodical manner. Hearing Krishna Lila with irresolute intelligence results in this sort of unmethodical shravan, because such hearing does not enable one to realize the relationship between the various lilas, and thus gas does not awaken in his heart. So then he said, please explain about Krama Sutta Shravanda, systematic hearing. Why same? हम अलग करके कुछ नहीं बोले मोर एलोब्रेटेड इज देवधर्मा सो गोस्वामी से रासा ओनली अवेकन्स इन वन्स हार्ट व्हेन कृष्णा लीला इज हर्ड मेथोडिकली और इन अ रेगुलर ऑर्डर विद रेजोल्यूट इंटेलिजेंस दिस अनदर क्वेश्चन आई हैड हर्ड दिस व्हेन वन्स हार्ट द व्हेन वन हियर्स द आस्था कल्याण नित्य लीला इटर्नल एटफोल्ड पास्ट टाइम सेपरेटली फ्रॉम नैमिकी अरे क्रम समय करते करते फिर अष्ट लीला कथा में उसके रुचि होता है सब दिखाए जो बोला वही निष्ठा रुचि उत्पन्न हो जाती है Shravan Das of this process is a confidential conversation with the guru and disciple. निरंतर श्रवण से लीलाओं का माधुर्य प्रकट होता है फलस्वरूप साधक के हृदय में रागानुगा प्रवृत्ति उदित होती है अरे जो लिखा है वही यही लिखा जो भी नहीं है उसको अलग कर दो कुछ नहीं इसमें लिखा साधक मन ही मन उस सोचने लगता है आह श्रीमती राधा जी की श्री चरण कमलों में श्री रूप मंजरी का कैसे आश्चर्यजनक समर्पण है श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में श्री राधा के दिव्य युगल की सेवा करूंगी क्योंकि कथा श्रवण करते लोग उत्पन्न होता है ना कोई अरे वो कॉम्पिटिशन उसके श्रवण करते तुम्हारी कथा में जो रुचि हो रहा है उसमें जो क्या बोले कॉन्फिडेंशियल क्या है बोले बोले जैसे ये उदाहरण दे रूपमंजरी की इसमें अहो श्रीमती राधे की रूपमंजरी की कैसा आश्चर्यजनक समर्पण है ये रूपमंजरी राधा जी की कैसे समर्पण करके सेवा आदि कर रहे हैं उस समय उनको थोड़ा थोड़ा जो है अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में उसको इंगित देते हैं एकादशी भाव इसमें इससे पहले ही हमने एकादश भाव बता रखे हैं सारे हाँ सब है वो ये पहली एकादश भाव बताए ना जयपालदास जी इसलिए उसको पहली कहा गया संबंध वय नाम रूप गुण युत अज्ञा सेवा ये पारदर्शी भाव तेरी समस्त बता दिया है अपना लेना है ना ये होता है क्या बोले विवाह में एक होता है वरण होता है इसमें विवाह के पश्चात
ब्राइड और ब्राइडगुम जब आता है गृह में, तो उस समय उनके सास आदि की गुरुजन जो उसके वरण करते, वरण टू एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट इन द फैमिली, नाउ वी आर बिलोंग्स टू आवर फैमिली। विवाह तो हो गया, विवाह होने के बाद, विवाह तो औपचारिक रूप में हुआ, औपचारिक होने के बाद जो है तो अब उसके गृह में आता है, तो उसमें कहते हैं वरण कर लेते हैं, मैंने यू आर बिलोंग्स टू आवर फैमिली। वो उसी प्रकार जो है भजन करते करते ये अपने स्वरूप की उपलब्धि जो होती जा रही, जो एकादश भाव आदि है, और होने के बाद वो वरण करते हैं। ये आपके बोलने से कुछ नहीं होता, ये तो केवल श्रवण से भी कुछ नहीं है, वो हरिनाम करते करते अपने आप है। अभी चिट्ठी काटे तो आपको क्या होगा, दर्द होता है ना है, किंतु देखो उस दशा में कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ा कोई आपके थोड़ा बारी में थोड़ा बोल दे तो आप भी बिगड़ जाओगे है, तो ये क्या समझोगे। अर्थात उस समय होता है देह देह के उसमें कोई ध्यान नहीं होता, श्रवण दशा से लेकर के वरण, ये सब तो उच्च कड़ी के सब होता है ना, सब होता है। तो ये सारी दशाएं क्या रुचि के बाद की दशाएं है? अरे कथा में रुचि तो उत्पादन करना है ये कथा में, जब तक आपकी रुचि नहीं हो रहा है, भूख लगे तब तो कथा में, भूख लगे तब तो खाने में रुचि लगेगा ना। जितने कथा हम अभी जो कथा सुनाते हैं आपकी केवल रुचि उत्पादन करने के लिए, अभी रुचि नहीं हुआ, किंतु रुचि कैसे हो। और रुचि जब हो जाता है तब स्वाभाविक होता है निष्ठा रुचि आस्ते, निष्ठा में क्या होता है वो विधि पूर्वक जबरदस्ती कर रहे हैं, और रुचि में होता है कि स्वाभाविक ही चलता है। क्या बोले, निष्ठा में हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, बुद्धिपूर्वी का फैलता है, रुचि स्वाभाविक होती है, और रुचि में होते स्वाभाविक होता है, इतना ही होता है। इसलिए अभी रुचि उत्पादन करते हैं, कथा सुना करके रुचि उत्पादन करते, सुनते सुनते तब रुचि जब हो जाएगा तब स्वाभाविक, उसके बिना रह नहीं सकते, इतना सहज नहीं है। रुचि उत्पादन करा देना इतना सहज नहीं है। चलो अरे एक जन्म करो, कथा सुनते रहो, अरे कितने जन्म आपके अनर्थ पड़ा हुआ, एक जन्म की है आपके पता ही नहीं है, कपड़ा कितना मैला है आपके पता है, वॉशिंग मशीन में कितना धुलते हैं, कुछ नहीं है, इसे बार बार श्रवण करना पड़ता है। ये तो देखिए छोड़ जाएंगे, मेरे लाइक मेरी हिंदी तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी हिंदी इज बेटर ना टू अंडरस्टैंड, अरे नहीं नहीं आप एक ही बात हर रोज आप बोलते हो, मैं पागल हो जाता हूँ। अरे भाषा की बात नहीं, भाव ही प्रधान है, क्या बोला, लैंग्वेज इज नॉट द प्रोमिनेंट, व्हाट द मूड, भाव क्या। जैसे आपकी कोई गाली दे, भाषा नहीं समझते किंतु आप समझ जाते हो मुझे गाली दे, एक जो है वो क्या बोले जो बोल नहीं पाते, क्या बोलते हैं डम पर्सन, उसके थोड़ा ऐसे करो वो भी समझ जाते हैं, ये हमें गाली दे रहे हैं कि हमें प्यार कर रहे हैं। भाषा की मूल नहीं है ये, हम हिंदी नहीं जानते, हम इंग्लिश नहीं जानते, वो बात वो तो केवल एक बहाना मात्र है, मूल वस्तु क्या है, भाव हमें कितना, अरे भाव ग्राही जान, भगवान आपके क्या भाव को ग्रहण कर, जब तक भाव नहीं है तो भाव कैसे आते कैसे आते
आपके गाली देने से भाव कैसे आ जाता है? आप सब सुनते हैं, आप तो बोल रहे हिंदी नहीं जानते हो, हिंदी में कोई कोई गाली दे तो आप समझ में आ जाए वो सब, क्योंकि जीवों की ये सब, एक कुत्ते को जो देखो ऐसे करो वो बैठ जाता है, कुत्ता आपकी भाषा थोड़ी जानता, वो एक स्वाभाविक वृत्ति होता है प्राणी मात्र में वो है, नहीं तो जड़ अभी देखता, हम तो अप्राकृतिक के लिए अभी नहीं जा रहे, एक कुत्ता के वो करते ना ऐसे करो वो बैठ जाते हैं, उसके उसकी बैठते नहीं, उसको जानते हैं, ये कोई वस्तु किसी के वस्तु के कहानी नहीं होता है, भजन करते होते हैं।